Consider it. We are in the, you know, we are basically attending the last session of this workshop, this orientation program. हम लोग आखिरी session में हैं क्योंकि इसके बाद वाला session हमारे लिए formally closing का session होगा, valedictory session के रूप में होगा. तो सभी लोग जुड़े और ये जो session है एक बहुत ही important aspect है क्योंकि हमने बहुत सारे online tools ऑनलाइन वेबसाइट्स पे हमने रजिस्टर करने की बात की है. उसके अलावा भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी जगहों पर अपना नंबर या अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करते हैं या और भी बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ों के इंटरेक्शन में आते हैं. तो जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है वो है साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि हमें जब हम इंटरनेट पर कोई सॉफ्टवेयर या ऐप या कहीं पे भी ऐप स्टोर पर डाउनलोड कर रहे हैं या फिर हम इंटरनेट पे कोई मेल भेज रहे हैं या डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए इन द साइबर वर्ल्ड. प्लस अपने आप को तो हम सेफ करेंगे ही, अपने आप को तो हम सिक्योर करेंगे ही और हम आगे भी एज टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को, अपने को टीचर्स को जो हमारे स्कूल में हमारे साथ है उनको भी हम इन एरियाज पे गाइड कर सकते हैं. So this is very important session, which is a culmination of, I think, most of the knowledge we have gained that how to behave in the cyber world. इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं. और इस session के लिए हमारे साथ हैं cyber peace foundation से principal investigator हैं निशा दुआ मैम. She is an expert of cyber safety and security. Ma'am, we welcome you. I welcome you on behalf of CIIT and on my personal behalf, on behalf of all the participants also. And since ma'am, we know that this is a very important area and I definitely take it that there would be many questions to you during the session also because the participants of this group are very active, very, you know, accepting, but they ask the questions because they have a lot of queries. Why? I think that is the reason they will later on be able to implement it in a better way. So these queries also gives us a positive indication that yes, what we are speaking, they are attending to. So I welcome you, ma'am, and the session I hand over to you for next thing. Is my screen visible? Yes, ma'am. So thank you, Dr. Monica, for introducing me. And I'm honored to be part of this, you know, very experienced, educated and eminent group. And I sincerely thank Dr. Behra and Dr. Indu for inviting me here. I consider it an honor. And friends, aapne pichle तीन चार दिन में काफी कुछ ऑनलाइन टूल्स वगैरह के बारे में डिस्कस करा है, कुछ नए टूल्स सीखे हैं, कुछ आपने अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर करे होंगे और एनसीईआरटी ने काफी एक्सपर्ट्स को बुलाया होगा. तो यही अब आप तो देखिए आगे तो डिजिटल है, ऑनलाइन लर्निंग इज द नीड ऑफ द आवर. और जब स्कूल्स भी खुलेंगे तो वो ब्लेंडेड मोड में अभी तो लर्निंग होगी क्योंकि स्कूल्स पूरे तो नहीं खुलेंगे, स्कूल्स तो थोड़े थोड़े खुलेंगे. और स्कूल्स खुल भी गए चलो 6 महीने में पूरे, लेकिन अभी हमारी लर्निंग और एजुकेशन का में पैराडाइम शिफ्ट आ गया है, वो मैं डिस्कस करूंगी. तो आज का मेरा सेशन है साइबर सेफ्टी एंड डेटा सिक्योरिटी इन ई लर्निंग एनवायरमेंट्स. और मैं कोच हूँ ई लर्निंग मॉड्यूल साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की और एनसीईआरटी के काफी सारे प्रोग्राम्स के साथ जुड़ी हुई हूँ. इसमें मेरे कुछ आज फ्रेंड्स भी हैं जैसे डॉक्टर अल्पा निगम वगैरह, जिनको मैं पहले से हम लोग कनेक्टेड हैं अपने कोई और प्रोग्राम्स में. सो आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स. ये सेशन मैं जितना इंटरैक्टिव तो नहीं कर पाऊंगी जितना जैसे फेस टू फेस सेशन होगा, तो ये आपके ऊपर भी है आप कितने रिप्लाईज करते हैं. तो जैसे डॉक्टर मोनिका ने बोला क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे होते हैं और मैं जितने क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊंगी मैं कर लूंगी. ये फील्ड बहुत वास्ट है और जो क्वेश्चंस मैं नहीं आंसर कर पाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि यू नो थ्रू एनसीईआरटी वील गेट बैक टू यू ऑन दैट. ओके एंड देन मैं इंस्टेड ऑफ काइंड ऑफ हैविंग ऑल द क्वेश्चंस इन द एंड,
डॉक्टर मोनिका, आई विल पॉज इन बिटवीन और उस सेक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे वो लेके फिर हम दूसरे सेक्शन पे जाएंगे, नहीं तो फिर वो पार्टिसिपेंट्स भी भूल जाते हैं। और मैंने एक्सरसाइजेस मैं करना चाहती थी पर आई वॉज नॉट श्योर, तो मैंने सिर्फ एक ही एक्सरसाइज रखी है बीच में, तो उसमें खाली आपको येस नो टाइप करना, उससे थोड़ा सा हमें अंदाजा भी हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करें, एवरीबडी रेडी? ओके, नाउ मैं आपको सबसे पहले ये स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगी। स्टैटिस्टिक्स ये है कि 624 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया में, 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन में, हमारी डेवलपिंग कंट्री में 624 मिलियन यूजर्स हैं, एंड वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड फॉलोड बाई चाइना। हमने तो यूएस को भी पीछे कर दिया है। और एक साल में फ्रॉम जनवरी 2020 टू जनवरी 2021 द यूजर्स ऑन द इंटरनेट हैव इंक्रीज बाय 47 मिलियन एक ही साल में। और हमारे यहाँ 1.10 बिलियन मोबाइल कनेक्शंस हैं, एंड ये मोबाइल कनेक्शंस हैव आल्सो इंक्रीज बाय 23 मिलियन और 448 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं and they have increased by 78 million. तो अभी आप सोचिए कि हमारी अगर हम अपनी पॉपुलेशन का देखें तो हमारी पॉपुलेशन का अभी 50% से थोड़ा कम है इंटरनेट यूजर्स वगैरह, पर अगर आप वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स देखें तो ये तो बहुत 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 बड़ी मार्केट है। तभी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे स्नैपचैट हो, चाहे गूगल हो, सब इंडिया में आना चाहते हैं क्योंकि इंडिया को, इंडिया उनको बहुत बड़ी मार्केट दिखती है। तो गोइंग ऑन टू माई नेक्स्ट स्लाइड, तो अभी इतना यूजर बेस कहाँ से आया है? आज हम कंसेंट्रेट मोस्टली कर रहे हैं चिल्ड्रन और यूथ के लिए, क्योंकि हम लोग सब उन्हीं के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, उनको एजुकेट करने के लिए, उनको फ्यूचर वर्ल्ड में प्रिपेयर करने के लिए। सो द चिल्ड्रन एंड यूथ बिटवीन द एजेस ऑफ 8 to 28 स्पेंड अबाउट 44.5 आवर्स ईच वीक इन फ्रंट ऑफ डिजिटल स्क्रीन्स। और उसमें क्या करते हैं, उसमें मैक्सिमम लोग वीडियो गेम, मैक्सिमम बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं या फिर इंटरनेट पे होते हैं और फिर अपनी पढ़ाई भी करते हैं। तो 23% ऑफ द चिल्ड्रन हैव रिपोर्टेड एडिक्शन टू वीडियो गेम्स, और ये तो एक सर्वे किया था सेंटर फॉर पेरेंटिंग ने, और उसमें लगा, और ये तो चिल्ड्रन वॉलंटरिली अपना ये कन्फेस कर रहे हैं कि हम लोग एडिक्टेड हो गए हैं। तो it's a good thing that we are a progressive country and moving towards a large base of internet, but at the same time hame ye bhi dekhna hai ki hamare upar hum internet haavi na ho jaye, hum usko soch samajh ke use kare. Internet pe bahut potential hai lekin kisi bhi cheez ka misuse acha nahi hota hai. And jitna user base increase hua hai, ये इंक्रीज इन रिपोर्टेड साइबर क्राइम्स है। अभी हमें मालूम है बहुत सारे साइबर क्राइम्स तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं और ये रिपोर्टेड हैं, और 2016 में 12,000 रिपोर्टेड थे और 2020 में ये 50,000 हो गए हैं। और सबसे ज्यादा स्टेट जहां से क्राइम रिपोर्ट हुए हैं वो है यूपी। यूपी के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं खुद नोएडा यूपी की हूँ और यूपी में क्राइम, और यूपी की पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो वो भी देखेंगे। तो ये क्राइम्स रिपोर्ट हो गए हैं। तो हमको अभी सोचना है, लेट अस रिफ्लेक्ट, कि अभी हम अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग की तरफ पुश कर रहे हैं बिकॉज एजुकेशन कैन नॉट स्टॉप। ओके, कोविड, नथिंग कैन स्टॉप द एजुकेशन ऑफ अ चिल्ड्रन। तो हम कुछ भी करके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ये तो ना टीचर्स के लिए, जिस तरह से टीचर्स दिन रात मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, वो बहुत कमेंडेबल है, बहुत ज्यादा, लेकिन उसके हमें और इफेक्ट्स भी होते हैं। तो हम जब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए बोलते हैं, चाहे वो स्कूल चाइल्ड हो, चाहे वो कॉलेज चाइल्ड हो, तो हमें कुछ चीजों को रिफ्लेक्ट करना है। तो ये जैसे मैं रिफ्लेक्शन की बात करूंगी, आप अपने जहन में ये सोचिए, अपने अपने एनवायरमेंट और अपने बच्चों के प्रोफाइल से कनेक्ट कीजिए, अपने एक्सपीरियंस से कनेक्ट कीजिए। सो पहला है, हमको सोचना चाहिए कि हम ऑनलाइन लर्निंग करा रहे हैं लेकिन आर आवर चिल्ड्रन स्टूडेंट्स रेडी फॉर द डिजिटल एज? उनको कौन तैयार करेगा? हम तैयार करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और हमें उनको तैयार करना चाहिए। So, are our children aware of rights and responsibilities? हम सिविक्स में पढ़ाते हैं कि ये आपकी rights and responsibilities है as a good citizen. तो हमने अपने content में या अपनी classes में digital citizen की कभी बात करी है?
कि उनको अपनी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चल जाएं। हमने कभी उनको ये बोला है कि ऑनलाइन में उतना ही सेफ और स्मार्ट रहो जितना आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से में स्मार्ट रहते हो। और कहते हैं ना कि सेफ चॉइसेस का मतलब है आप किससे कनेक्ट कर रहे हैं वो आपकी चॉइस है, आप किसको क्या पोस्ट कर रहे हैं वो भी आपकी चॉइस है। तो इस टाइप की चॉइसेस भी सेफ होनी चाहिए बच्चों की। तीसरा है कि हम अपने बच्चों को अवेयर कर रहे हैं कि डिजिटल एथिक्स और एटिकेट्स क्या होते हैं। एज पेरेंट्स एज एडुकेटर्स हम उनको एथिक्स और एटिकेट्स अपने रेगुलर वर्ल्ड में अपनी बातों में अपनी पढ़ाई में सब बताते हैं, पर हमें अलग से अभी ये भी सोचना है कि ये भी हमारी ड्यूटी है। जैसे हम स्कूल में हमें बच्चों की जिम्मेवारी है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रन सेफ्टी इन द स्कूल। स्कूल की बाउंड्री वॉल्स होती है, गेट होता है, चौकीदार होता है, सब होता है, बच्चे बाहर नहीं जाते, तो हम अपने स्कूल के एनवायरनमेंट या कॉलेज के एनवायरनमेंट को सेफ करते हैं। अब हम पूरा इंटरनेट तो इतना वास्ट है सेफ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बच्चों को प्रिपेयर तो कर सकते हैं कि आप इंटरनेट में कैसे सेफ रहें, क्या आपके मैनर्स होने चाहिए, क्या एटिकेट्स होने चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज एंड मैनेज ऑनलाइन रिस्क। तो जो ऑनलाइन रिस्क होते हैं हमको उनसे बात करनी चाहिए कि ऑनलाइन आप पोटेंशियल बहुत है इंटरनेट का, पर रिस्क भी बहुत है। जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने छोटे बच्चों को बोलते हैं कि आप अकेले कहीं मत जाओ, अंधेरे में मत जाओ, स्ट्रेंजर से बात मत करो, तो ऐसे ही बहुत कॉन्शियसली हमें अपनी, जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या बच्चों को ऑनलाइन असाइनमेंट या रिसर्च करने को बोलते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ दे कैन बिकम मॉडल डिजिटल सिटीजंस इम्बाइबिंग यूनिवर्सल वैल्यूज। मैंने यूनिवर्सल वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि इंटरनेट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू इंडिया। ये जो इंटरनेट की कोई बाउंड्रीज नहीं है कि ये इंडिया की बाउंड्री है, यूएस की बाउंड्री है, सिंगापुर की बाउंड्री है, इट्स अ बिग 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 वर्ल्ड ओवर देयर। तो यहाँ पर हमें यूनिवर्सल डिजिटल सिटीजन बनना है। इंडियन डिजिटल गुड डिजिटल सिटीजन ऑफ इंडिया तो बनना ही है, बट अ गुड डिजिटल मॉडल डिजिटल सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स भी बनना है। तो ये आप थोड़ा सा अपने जहन में सोचिए कि आप और ये रिप्लाई कीजिए कि आप चैट बॉक्स में वाई और एन डालेंगे, और डॉक्टर मोनिका आप बीच में कभी टैबुलेट करके ना थोड़ा सा बता दीजिएगा कि भाई कितने वाई थे कितने एन थे। जी जी, सो काइंडली अपने चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई डालिए, और बड़ा ऑनेस्ट रिप्लाई है, क्योंकि देखिए मैं भी जब 10-12 साल पहले पढ़ाती थी और मेरे को इंटरनेट के इतना मतलब सेफ्टी की समझ नहीं थी, तो मैं भी पढ़ाती जाती थी, है ना। हम कहीं से तो सीखते हैं। ये तो जैसे जैसे मैं अवेयर होती गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी की फील्ड में हूँ, तो उतना मेरे को मैं कॉन्शियस होती गई कि हाँ, कर हम बच्चों को कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी यूज करो, लेकिन टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना है, इंटरनेट कैसे यूज करना है इन अ सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आई जस्ट वेट फॉर 30 seconds फॉर यू टू टाइप इन द चैट बॉक्स। Ma'am, everybody I think is going with yes. Very good. I'm very happy if people are, this means that we have very educated and aware set of educators over here who have already made their children very conscious. Okay. Now, ye to hamare statistics the. ये कॉन्टेक्स्ट जो मैं ले कर रही थी वो था। अब हम आते हैं कोविड पैंडेमिक और एजुकेशन पे। अब ये तो हम सब जानते हैं कि जानते क्या है, हम इस पार्ट के रेवोल्यूशन हैं। जो रेवोल्यूशन एजुकेशन में कोविड का आया है वो आप लोग की वजह से आया है, और दैट लर्निंग हैज टेकन अ लीप विच हैज नॉट हैपेंड इन लास्ट 20 years। एजुकेशन टेक्नोलॉजी हमेशा थी, और मुझे याद है 1995 में स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम एनसीईआरटी ने स्टार्ट करा था, पर उस तरीके से स्कूल्स और कॉलेजेस इनफैक्ट इंटायर एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर पाया। नंबर वन, समझ आता है कि हमारी कंट्री में डिजिटल डिवाइसेस बहुत महंगे थे पहले, अब थोड़े चीप और एक्सेसिबल हो गए हैं, और इंटरनेट डेटा बहुत एक्सपेंसिव था, और कनेक्टिविटी भी नहीं थी। अब काफी जियो वगैरह के आने से काफी बेटर हो गई है, और कोविड ने ये हमारे ऊपर ये ना एक डंडा डाला है कि अगर पढ़ाई होनी है तो ऑनलाइन होनी है, अगर अगर ऑनलाइन नहीं जाओगे तो बच्चे आपके नहीं पढ़ सकते। तो एज एडुकेटर्स
हम और आप सब इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम लोगों ने जो हमारी एक एडुकेटर की कैप थी, हमारे एडुकेटर की टोपी थी, हमने एडुकेटर की टोपी में एक और टोपी ऐड कर दी डिजिटल वाली, और हम डिजिटल एडुकेटर्स बन गए। कहीं से सीखा, कैसे सीखा, रात को बैठ के सीखा, बच्चे से सीखा, नेबर से सीखा, कैसे भी सीखा, एनसीईआरटी के खूब सारे प्रोग्राम्स हमने अटेंड करे, पर हमने सीखा क्योंकि हम एडुकेटर्स हैं। हम हमेशा, हमको बच्चों की बेनिफिट कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स कभी ना सफर करें। सो डू यू अग्री विद इट दैट लर्निंग हैज टेकन अ लीप, लर्निंग हैज बीन रेवोल्यूशनाइज्ड बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक। ऑफकोर्स देर हैज बीन अ लॉस इन लर्निंग ऑल्सो, डिजिटल डिवाइड भी है और ये सब है, और क्लासरूम एंड वन ऑन वन टीचिंग कैनॉट बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ क्लासरूम टीचर्स, बट एटलीस्ट बच्चों का जीरो ईयर वगैरह तो नहीं गया ना। सो ये, सो एक क्विकली फ्रॉम द देन एंड नाउ। सो देन, पहले जो बात थी, अब मैं पिछले एक साल की बात कर रही हूँ। एक साल से पहले 2020 मार्च से पहले क्लासरूम थे, अब ई क्लासरूम है, टेक्स्ट बुक अब ई बुक्स बन गई, क्लासरूम डिस्कशंस ई फोरम्स बन गए, लाइब्रेरी हमारी डिजिटल रिपोजिटरी बन गई, रेडियो हमारे रेडियो तो है ही है पर ऑनलाइन रेडियो और पॉडकास्ट भी हो गए, फील्ड ट्रिप जो हम बच्चों को लेके जाते थे वो वर्चुअल ट्रिप बन गए, ब्लैक बोर्ड इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड बन गया, सब लोग अभी जो गूगल वगैरह ये सब इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड के एप्स आते हैं आई एम श्योर आप सब यूज करते हो गए, जो सेमिनार बन गए थे वेबिनार था। अगर मैं आपके आप भी एनसीईआरटी के ऑडिटोरियम में बैठते और मैं आती तो हम सेमिनार करते, अब हम वेबिनार कर रहे हैं, और इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया बन गया। कर हम सब कुछ वही रहे हैं पर हमारा मीडियम चेंज हो गया है, तो इसलिए ये नई टेक्नोलॉजीज, ये नया पैराडाइम शिफ्ट आ गया है और नई टर्म्स आ गई हैं। सो हाउ कैन वी मैक्सिमाइज पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनेबल्ड लर्निंग। देखिए, आई एम ऑल्सो एन एडुकेटर विद 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन क्लासरूम, तो आई फॉर्मली बिलीव कि टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस अ टीचर, टेक्नोलॉजी कैन एनेबल अ टीचर लिटिल बेटर इन सम थिंग्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट और गिव सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, बट आई फॉर्मली फील डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम इन यू नो टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग, आई ऑलवेज फील कि कॉन्टेंट इज सुप्रीम, कॉन्टेंट इज द मास्टर एंड पेडागॉजी इज द मास्टर एंड टेक्नोलॉजी इज एन एनेबलर, वो उसको पुश करता है, वो उसको एक्सेलरेट करता है। हाँ, पर हमको एडवांटेज लेने चाहिए सब डिजिटल डिवाइसेस के, हमारे आसपास डिजिटल प्लेटफॉर्म के, बिकॉज दैट इज अ फ्यूचर। हमें अपने बच्चों को 21st सेंचुरी के वर्क स्पेसेस में सक्सीड करवाना है, उनको वो वाले स्किल्स देने हैं जो अपने वो फ्यूचर वर्क स्पेसेस में वो लोग लेंगे, तो वो स्किल्स में और उसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। So let's see the potentials of advantages of technology supported learning. This see the word technology supported learning. I don't say technology learning. So basically, ये तो हमने जाना anywhere anytime learning. हमारे बच्चों ने घर में बैठ के drawing room, क्या drawing room, वो classroom तो drawing room या study room बन गए, है ना, तो हमारा तो classroom का mode ही change हो गया उस वक्त, और accommodates different styles and faces. थोड़ा सा advantage technology का ये है कि classroom में मैं as a teacher, मेरे पास 40 student हैं, 50 student हैं, मैं हर एक को time नहीं दे सकती, किसी बच्चे को एक बार नहीं समझ आया उसको दोबारा नहीं बता, मतलब उसको अलग से फिर लेना पड़ता है, और there are differentiated learners in a classroom. कुछ वीडियो से लर्न करते हैं, कुछ ऑडियो से लर्न करते हैं, कुछ पढ़ने से, कुछ बताने से, so it can accommodate different learning and styles. And the child can see that content all over again. अगर हमने कोई वीडियो है या हमारा कोई लेसन रिकॉर्ड हुआ है और वो बच्चे को सेकेंड टाइम reinforce करवाना है तो टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है। It promotes and improves knowledge and skills that are vital in future workspaces. ये मैंने अभी आपको बता दिया, बच्चों के में वो skills तो inculcate करने ही हैं हमें। It promotes communication, presentation, independence and problem solving. कैसे communication? अब बच्चा class में खड़े होके शायद सबके बीच में ना बोले, लेकिन वो अपने घर में थोड़ा सा strong करता है। अगर आप बच्चे से पूछोगे तो वो because the child is not facing 50 eyes looking at him or her, तो वो थोड़ा सा, हमने देखा है कि बच्चे घर में जब present करते हैं थोड़ा, parents भी सपोर्ट कर देते हैं तो उनकी communication skills अच्छी हो जाती हैं।
प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी होती हैं, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज करते हैं, दे लर्न हाउ टू एम्बेड द ऑडियोज वीडियोज एंड इमेजेस एक्सेट्रा. इंडिपेंडेंट लर्निंग बहुत प्रमोट होती है टेक्नोलॉजी से. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इसलिए होती है कि अभी जैसे बच्चा अकेले अपना रिसर्च कर रहा है, एनालाइज कर रहा है और इंफ्रेंसेस ड्रॉ कर रहा है और देख रहा है कि अच्छा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो वो स्टूडेंट उसको अच्छे से अपने तरीके से सॉल्व कर सकता है. द अदर इज एनहांसेस ओनरशिप एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टू प्रिपेयर लर्नर्स फॉर 21st सेंचुरी वर्कफोर्स. तो ये अगर टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव और जुडिशियस यूज हुआ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम जैसे हमारे पास बुक्स हैं तो हम ई बुक्स अपनी अपनी बुक के सारे चैप्टर हम पावर पॉइंट पे डाल दें और बच्चों को बोले उसको चला दें और बच्चों को बोले कि लुक एट द पावर पॉइंट. दैट इज नॉट जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. वी हैव टू एक्चुअली गेट चिल्ड्रन टू थिंक एंड वी कैन यूज दीज इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी डिवाइसेज टू हेल्प चिल्ड्रन टू थिंक एंड यू नो कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज. सो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एडवांटेजेस तो हो गई, बहुत एडवांटेजेस है टेक्नोलॉजी की. हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, हम भी अपनी लर्निंग वी कैन वाइडन अवर लर्निंग अक्रॉस, बट कंसर्न्स भी बहुत हैं. देखिए कोई भी नई चीज आती है, घर में टीवी, हमारे जब टीवी आया था तो हमारी, मुझे याद है हमारी दादी तो बोल रही थी ये बच्चे तो बिगड़ जाएंगे और ये क्या ले आए हो, अब बच्चे ये नहीं पढ़ाई नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे. तो जब टीवी आया था तो भी तो कितना कंसर्न था सबको. ओके, बट व्हेन वी मेक अ जुडिशियस एंड स्मार्ट यूज ऑफ थिंग्स ऑफ ऑल द गैजेट्स एंड एवरीथिंग अराउंड, देन दैट बिकम्स एन एनेबलर रादर देन कंसर्न्स. अब कंसर्न्स क्या हैं? सबसे पहला कंसर्न जो मैंने बोला कि बच्चे 50 घंटे के करीब अपने डिवाइसेस पर होते हैं एक वीक में. सो डिवाइस यूसेज अभी कोविड के कारण सेंटर हो गई है. ओके, डिवाइस यूज और सब कुछ जो है वो आपका थ्रू फोन, थ्रू लैपटॉप, थ्रू डेस्कटॉप, थ्रू टैबलेट्स हो रहा है. बच्चा पढ़ भी ऑनलाइन रहा है. अब गेम्स खेलने, क्रिकेट खेलने नहीं जा सकते थे बीच में जब लॉकडाउन वगैरह थे, तो बच्चा गेम्स भी घर पे खेल रहा है. अब बच्चा अपने फ्रेंड्स के घर नहीं जा सकते थे तो सोशलाइजिंग भी ऑनलाइन हो रही है. फैमिली है तो अगर ग्रैंड पेरेंट्स दूर रहते हैं, मौसी मौसा दूर रहते हैं, तो उनसे मिलने के लिए भी मतलब ऑनलाइन बातें हो रही हैं. और मूवीज देखनी है, कुछ गेम्स खेलने हैं या कुछ टाइम पास करना है, बच्चा बाहर चला जाता था, अब वो भी सब अपने डिवाइसेस पे हो रहा है, आईपैड और फोन्स वगैरह पे. सोशल मीडिया तो है ही है, उसके अच्छे भी, अब इसके यू नो मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं. तो अब क्या हो गया, अब डिवाइस यूज सेंटर पे हो गई है. तो इसके लिए द अदर डे आई वाज ब्राउजिंग ऑन द एनसीईआरटी वेबसाइट एंड एनसीईआरटी हैज ब्रॉट अप अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर एंड क्लियर गाइडलाइंस कि कितने घंटे एक बच्चा डिवाइस पे होना चाहिए, कितनी क्लासेस होनी चाहिए. क्योंकि शुरू शुरू में एंथुजियास्मिक बहुत प्राइवेट स्कूल्स ने तो रेप्लीकेट कर दिया, जो क्लासरूम के अगर वो अगर उनके 6 पीरियड होते थे सब्जेक्ट्स के, तो उन्होंने 6 पीरियड ऑनलाइन कराने शुरू कर दिए. तो ये एक, क्योंकि सब लोग सीख रहे थे उस वक्त, किसी को यू नो इट वाज अ हिट एंड ट्रायल काइंड ऑफ मॉडल, तो उससे ये सब इम्पैक्ट हुआ. पर अभी हमको अपना एकेडमिक कैलेंडर और टाइम टेबल उस हिसाब से स्केड्यूल करना है कि भाई बच्चा 2 या मैक्सिमम 3 क्लासेस एक दिन में करें. इट्स वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड इन द गाइडलाइंस. आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल दोस. इफ वी डू दैट देन वी विल फाइंड दैट ई लर्निंग इज नॉट टेकिंग दैट मच ऑफ टाइम. और अभी तो थोड़ा हमारा बच्चे थोड़े बाहर भी खेलने लगे हैं, घूमने लगे हैं. तो अभी एज एडल्ट्स, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, वी हैव टू नाउ वीन अ चिल्ड्रन अवे फ्रॉम यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर गेम्स, फॉर सोशलाइजिंग, फॉर फैमिली, फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर एवरीथिंग. क्योंकि अभी बच्चों की आदत हो गई है और उनको वहां से हमें निकालना है, वीन करना है. तो वो अब हमें बड़े कॉन्शियसली करना है. बच्चे बहुत रेजिस्ट करेंगे, उनको तो इंटरनेट पे, अभी इंटरनेट पे गेम्स खेल रहे हैं किसको नहीं अच्छा लगता, मूवीज वीडियोस देख रहे हैं किसको नहीं अच्छा लगता. लेकिन अब हमें उनको वहां से बीन करना है, उनको उधर से बाहर निकालना है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे रिस्क हैं. क्या रिस्क हैं? प्राइवेसी का रिस्क है,
सबसे पहले इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे प्राइवेट कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल इन पब्लिक डोमेन. एक तो प्लेटफॉर्म्स आल्सो डिजाइंड एज सच, और थोड़ा सा एज यूजर्स हम लोग अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को ध्यान ही नहीं देते हैं. है अभी अगर मेरे पास, मैंने एक फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप या कुछ भी है, वहां पर हम उनकी जो डिफॉल्ट सेटिंग्स फॉर एडल्ट्स होती हैं 18 इयर्स एंड अबव, वो पब्लिक होती हैं. हम कभी जाके अपनी सेटिंग्स को चेंज नहीं करते हैं. तो वो हमें अपनी अपनी सब प्लेटफॉर्म्स पे अपनी सेटिंग्स चेंज करनी चाहिए. तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, आपके पास नोट पैड वगैरह तो होंगे, कि प्लीज नोट इट डाउन दैट एवरीबडी विल गो बैक एंड लुक एट द प्राइवेसी सेटिंग्स, रिव्यू द प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इवन गूगल और इवन इन इंटरनेट एक्सप्लोरर. तो उसमें प्राइवेसी सेटिंग मोस्टली जो होता है, या तो राइट में एक ट्राइंगल होता है या तीन डॉट्स होते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो उधर जाके सब लोग, ये आप सबका एक होमवर्क है, जो आप प्राइवेसी सेटिंग्स अपनी तो चेंज कीजिए और सब कुछ प्राइवेट कर दीजिए. और उसमें आप ये भी डाल सकते हैं कि कौन सी किस टाइप के वर्ड्स, जो कुछ ऐसे ऑनलाइन एड्स आते हैं वो सब आते हैं, इस टाइप के वर्ड्स आपके डाउनलोड ना हो. तो ये उसमें बहुत बहुत सारे चेकलिस्ट होती है, आप उसको देख के अप्रोप्रिएट टू यू You work it out. Now the second is stranger danger. ये मैं एक, इसके लिए मैंने एक स्लाइड रखी है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी. एडिक्शन, ऑनलाइन प्रेडेटर्स, क्योंकि ऑनलाइन प्रेडेटर्स, देखिए आप देखिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जब बाहर जाते हैं, हर तरह का इंसान होता है, और वो इंसान हमारे नेबरहुड से होता है. ऑनलाइन तो वो इंसान 6000 किलोमीटर दूर बैठा हो, किसी और कॉन्टिनेंट में बैठा हो, उससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं. तो इस टाइप के प्रेडेटर्स होते हैं हु आर ऑन द लुकआउट फॉर विक्टिम्स. उनका या तो वो हॉबी होती है गंदी वाली, या फिर बिजनेस होता है कि उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे, है, या फिर सिर्फ मस्ती के लिए. पर वो प्रेडेटर्स हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो उनको ल्योर करते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं. फेक न्यूज एक और चीज है, हम लोग बहुत बिलीव कर लेते हैं कि जो ऑनलाइन है, जो हमको ऑनलाइन न्यूज मिल रही है वही सत्य है. देखिए न्यूज़पेपर और इंटरनेट में बहुत डिफरेंस है. न्यूज़पेपर में कोई न्यूज आती है और कुछ न्यूज का आइटम कुछ गलत, कुछ उसका न्यूज का कुछ गलत होता है, तो यू विल फाइंड नेक्स्ट डे देयर इज एन अपोलॉजी इन द न्यूज़पेपर कि गलत नेम आ गया था या गलत डेटा छप गया था. ऑनलाइन ऐसा नहीं होता. न्यूज़पेपर में इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो मीडिया है, न्यूज़पेपर मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल मीडिया. एंड नंबर टू, उनका जो एक प्रूफ है, उनका न्यूज़पेपर हमारे पास एक प्रूफ है कि ये वाली न्यूज छपी है. अगर किसी के बारे में गलत छपी होगी तो दे कैन काइंड ऑफ क्वेश्चन देम. बट ऑनलाइन में किसने क्या पोस्ट करा उसका कोई अता पता नहीं है, कोई ओनर नहीं है. आज मैंने पोस्ट कर दिया कि भाई नाक में नींबू डालने से कोविड जाता है, है? तो कुछ लोगों ने मान लिया, कल मैंने वो निकाल दिया, है? जो जिसने माना, तो अगर उसको बोलो प्रूफ का है, तो वो तो कल ऑनलाइन में कुछ है ही नहीं. तो ऑनलाइन में इस टाइप की फेक न्यूज आती हैं. मैं तो इसको ये एनालॉजी दूंगी कि वो जब हम छोटे थे, वो एक कहानी होती थी ना कि आसमान गिर रहा है, द स्काई इज फॉलिंग. एक जानवर ने बोला द स्काई इज फॉलिंग, तो दूसरे ने भी बोझ समझ लिया और सारे जंगल से बाहर भाग रहे हैं. कुछ ऐसा ही ऑनलाइन में होता है उस तरीके से. तो हमें एक नया टर्म है, बहुत अच्छा टर्म है, इसे कहते हैं न्यूज लिटरेसी. न्यूज लिटरेसी इज जब आप जो भी न्यूज है उसको आप क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि भाई ये न्यूज कितनी सही हो सकती है, कितनी गलत हो सकती है, क्या सोर्स है. तो इनफैक्ट मैं ये डॉक्टर इंदु से बोलूंगी कि न्यूज लिटरेसी के ऊपर भी हमें कुछ सेशंस करने चाहिए, क्योंकि फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैल रहा है और इससे काफी लोग अफेक्ट हो रहे हैं. डिजिटल फुटप्रिंट्स, अभी जैसे हम अपनी लाइफ में हम चलते हैं, अगर हम सैंड पे चले तो हमें दिखता है कि हमारे फुटप्रिंट्स हैं, वो तो चलो पानी आ गया, हवा चल गई, वो मिट गए. लेकिन अगर कोई सड़क बनाना होता है तो उसके ऊपर अगर हम चल पड़े तो हमारे कॉन्क्रीट के ऊपर फुटप्रिंट्स आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं. और वो कॉन्क्रीट के ऊपर हटाना, कितना भी आप साबुन से धो लो, पानी से धो लो, कुछ भी डाल दो, वो उसके ऊपर वो नहीं जाएगा जब तक वो रोड दोबारा नहीं बनेगी, है ना. तो सिमिलरली ऑनलाइन में आप कहीं कुछ लाइक करते हैं, कुछ क्लिक करते हैं, कोई ईमेल भेजते हैं, कुछ भी ऑनलाइन में करते हैं, वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट बन जाता है और वो उसका रिकॉर्ड रहता है.
अब आप बोलेंगे हमें तो नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, लेकिन अगर आप जैसे किसी जो ज्यादा ऑनलाइन यूज करते हैं उसका नाम गूगल करके देखें तो आपको पता चलेगा कि उसके उसके कितने सारे वो आ जाते हैं, क्या कहते हैं, पेज के ऊपर ब्राउजिंग वो आ जाते हैं यूआरएल्स। तो ये हम जो भी करते हैं इंटरनेट पे, ये हमारा फुटप्रिंट होता है और ये हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। हम अपने रेगुलर जीवन में, ऑफलाइन जीवन में हम अपनी पर्सनैलिटी का इतना ध्यान करते हैं, लेकिन ऑनलाइन वो जो लैपटॉप के पीछे बैठ के हम तो खूब शेयर हो जाते हैं, हम कहते हैं कोई हमें जान नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो आईपी एड्रेस है, जिस कंप्यूटर से या जिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम भेज रहे हैं वो अथॉरिटीज के पास लिस्टेड है। हम कुछ गलत करेंगे तो वो हमारे पास ही वापस आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, एक महीना पहले विराट कोहली की डॉटर के लिए किसी ने बहुत ही बुरी चीज पोस्ट करी थी क्योंकि वो मैच में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाया। दैट पर्सन वॉज ट्रेस्ड बैक, दैट यंग मैन वॉज पिक्ड अप फ्रॉम द कॉलेज वेयर ही वॉज एंड हिज एंड इट वॉज थ्रू द लैपटॉप, थ्रू द आई पी एड्रेस ऑफ द लैपटॉप। तो हमें ये, हम लैपटॉप के पीछे हम सोचते हैं हम तो भाई हमको कोई पकड़ नहीं सकता, वो गलत है। गेमिंग एडिक्शन, तो मैंने जैसे बोला कि काफी सारे बच्चे आजकल गेमिंग एडिक्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ नॉट प्लेइंग आउटसाइड ऑल्सो, ये हमें इस चीज का ध्यान करना है। इंटरनेट पे साइबर बुलिंग बहुत होती है। देखिए बुलिंग तो बहुत सालों से चलती आ रही है, मतलब हमारे टाइम पे और हमारे पीछे के टाइम पे, लेकिन साइबर बुलिंग बहुत ज्यादा तंग करती है क्योंकि कई बार आपको उसका सोर्स भी पता नहीं चलता कि कौन बिली कर रहा है। और क्या होता है कि जैसे फेस टू फेस जिसकी अगर किसी से आपका झगड़ा हो गया तो आप तो कोई एक एक्स पर्सन है उसको इतनी हिम्मत नहीं है कि उससे फेस टू फेस बोलने की, वो ऑनलाइन कुछ भी डाल देते हैं। तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होता है। सेक्सटिंग ग्रूमिंग जो है, ये जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो हमारे ऑनलाइन प्रेडेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये बच्चों को मतलब उस टाइप की मैसेजेस भेजते हैं रिलेटेड टू सेक्स और उनको ग्रूम करते हैं फॉर इनअप्रोप्रिएट थिंग्स। सो ये बहुत गलत चीज है। वो ऑनलाइन में बच्चे का देखते हैं कि अच्छा इतने साल का बच्चा है, ये फोटो लगा रखी है, और धीरे धीरे वो प्रिटेंड करके कि वो इतने साल के हैं, तो उनको वो ग्रूमिंग करते हैं धीरे धीरे, फिर बाद में ब्लैकमेल हो जाता है। ट्रोलिंग बुलिंग के जैसे ही है। स्क्रीन टाइम, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग वगैरह, तो आपको मालूम ही है कि फॉल्स आइडेंटिटी लेके एक दूसरे से पैसे मांग लेना कि भाई मुझे, मैं कहीं फंस गई हूँ एयरपोर्ट पे, मेरे पैसे खत्म हो गए, तो मेरे ईमेल से या मेरे व्हाट्सएप से मेरे फ्रेंड से पैसे मांग लिए, या फिर ऑनलाइन अकाउंट में कुछ, ये फाइनेंशियल में कुछ गड़बड़ कर दी। साइबर स्टॉकिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि वही मैंने बोला कि लैपटॉप के पीछे तो सब शेयर अपने आप को समझते हैं, जो ऑनलाइन जिंदगी में जिसकी हिम्मत नहीं होती वो साइबर पे करते हैं। रिवेंज पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा है, बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि वो जो ऑनलाइन प्रेडेटर्स होते हैं, जो स्ट्रेंजर डेंजर की बात कर रही हूँ, ऑनलाइन प्रेडेटर्स होते हैं, वो सेक्सटिंग ग्रूमिंग करते हैं बच्चों को, उससे फोटो लेते हैं और फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं और उसका एडवांटेज लेते हैं। और ये रिवेंज पोर्नोग्राफी तब भी होता है जब कोई बुली करना चाहता है किसे, तो उसकी जैसे एक फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड है, अब झगड़ा हो गया, पहले तो बड़े अच्छे दोस्त थे, अब झगड़ा हो गया, तो उसके पास ए के पास बी की फोटोग्राफ्स हैं, वो ए बी से बदला लेना चाहता है, तो उसकी फोटोग्राफ को वो ऑनलाइन मॉफ ऑफ करके अपलोड कर देता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो ब्लैकमेलिंग जैसे मैंने बोला था, तो थोड़े इश्यूज मैंने टच करे हैं। I'm sure you are also very much aware about this. Online dating हमारी youth ने बहुत adopt कर लिया है, और online सबसे ज्यादा fraud तो online dating में होता है। इसके ऊपर एक separate 2 घंटे का session हो सकता है, in fact. Okay. और तो इसलिए हम बोलेंगे अपनी private personal information, videos हमें बच्चों को बताना है, अपने किस ना share करें, personal information ना share करें। इमोशंस, जब कोई ज्यादा खुश होता है या कोई किसी ने, जब बच्चे को किसी पेरेंट ने डांट दिया, टीचर ने डांट दिया, बच्चा ऑनलाइन जाके टीचर के अगेंस्ट कुछ लिख लेता है, ये बहुत होते हैं। ओके, उस वक्त बच्चे ने लिख दिया, तो हमें जब बहुत इमोशनल होते हैं तब हमें ऑनलाइन में नहीं जाना चाहिए, ट्रोलिंग ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं बनना चाहिए, बुलिंग ना करनी चाहिए, ना हमें बुलिंग का शिकार बनना चाहिए। तो ये मैंने पहले बोला था प्राइवेसी सेटिंग्स, प्लीज आप प्राइवेसी सेटिंग्स अपनी चेक कर लीजिए,
दूसरा होमवर्क है आप सबके लिए, अगर आप होमवर्क मतलब वर्ड को बुरा ना माने, सो आई वुड से होमवर्क, आई विल से असाइनमेंट, कि आप अपने पासवर्ड चेक कर लीजिए। क्या होता है कि हम लोग पासवर्ड को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि इतने सारे ऐप्स, इतने सारी साइट में जाना होता है, तो हम पासवर्ड भूल जाते हैं, तो हम अपने पासवर्ड को सिंपल सा बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, कुत्ते का नाम, जो जो भी हो गया, एड्रेस के साथ। ये पासवर्ड आपकी तिजोरी की चाबी है, जो आपकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत बहुत वैल्यूबल है, वो आपकी तिजोरी में जो सोना गहना रखा है उससे भी ज्यादा वैल्यूबल है। तो हम जैसे तिजोरी की चाबी किसी नहीं देते, वैसे हमें अपने पासवर्ड्स भी शेयर नहीं करने चाहिए, और पासवर्ड्स हमेशा कॉम्प्लेक्स रखने चाहिए हैं। अभी तो हर साइट, जैसे अगर आप पासवर्ड इनपुट करते हैं, दे टेल यू इट हैज टू बी लोअर केस, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, 8 letters, नंबर्स, फिगर्स, ये सब होने चाहिए। डिफरेंट प्लेटफॉर्म के डिफरेंट पासवर्ड्स रखिए, और एक छोटी सी डायरी लेके अपने ड्रॉअर में रखिए। पासवर्ड्स कभी भी अपने फोन पे मत शेयर करिए, क्योंकि फोन हैक हो गया तो पासवर्ड भी हैक हो गए। तो इसका मतलब है कि नॉट इवन आपका फोन का डेटा हैक हुआ, आपकी सारी सारी गूगल से लेके सोशल मीडिया से लेके सब कुछ, सबकी चाबी किसी के पास लग गई। सो आज प्राइवेसी सेटिंग और पासवर्ड पे आप ध्यान कीजिए। ये मैं स्ट्रेंजर डेंजर बताती हूँ, इसके बाद मैं पॉज लूंगी, क्वेश्चन लूंगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि छोटेपन से, 3-4 साल से, कि भाई आप बाहर जाओगे, कोई अंकल आंटी आपको टॉफी देंगे, आप मत लेना, आप किसी स्ट्रेंजर से बात मत करना, और हमारे बच्चों को हम ये बहुत सिखाते हैं टू बी सेफ। पर हम ऑनलाइन ये चीज अपने बच्चों के सामने हमें ज्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि कोई अगर आपके बच्चे को टॉफी देख दे रहा है, एक तो बच्चा उसे देख सकता है, इससे आसपास भी कोई देख सकता है, तो वो उसका इत्मा। लेकिन ऑनलाइन में कौन क्या प्रिटेंड करके फेक आइडेंटिटी कर रहा है, और वो आपके बच्चे को ल्योर कर रहा है। सो ये है मीट सूजन। हूज सूजन? सूजन इज अ 42-year-old man posing as 15-year-old girl and trying to be friend with your 13-14-year-old girl. And planning to meet her at the park. ये तो how scary is that? बहुत डरावना है कि कोई मतलब ऐसे पोस्ट कर रहा है वो, और वो हो सकता है कि वो कि भाई let us meet in the park, you come in this dress, I'll come in that dress, वो दूसरी फोटो लगा दी अपनी। तो बच्चे तो अभी बच्चे के माइंड इतना एक्सपीरियंस तो नहीं होता ना, तभी हम अपनी वो सेकेंड स्लाइड में जाएंगे, that are our children mentally ready or mentally prepared फॉर दिस क्रिटिकल थिंकिंग, कि भाई हमें राइट चॉइसिस करनी है, किससे मिलना है, क्या पोस्ट करना है, किससे कनेक्ट करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमने हमारे पास जो केसेस आते हैं, ये स्ट्रेंजर के केसेस, स्ट्रेंजर डेंजर के केसेस बहुत आते हैं, जहाँ पर ये उनका ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन होता है फिर धीरे धीरे बच्चे का, बहुत बहुत ऐसे केसेस आते हैं। तो तभी मैंने इसके ऊपर एक स्लाइड रखी है। सो क्विकली आई विल गो थ्रू दिस। पासवर्ड की बात हो गई, आइडेंटिटी थेफ्ट की बात हो गई, फ्री स्टफ पे क्लिक नहीं करना चाहिए, अपना एंटीवायरस अपडेट करना चाहिए, कार्ड डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, बैंक तो मांगते नहीं है और फिर भी मतलब लोग शेयर कर देते हैं, जबकि बैंक्स रिपीटेडली टेल अस कि हम तो ऑनलाइन आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, बट यू गेट अ कॉल वेयर समबडी इज टॉकिंग वेरी नाइस, यू नो, इन वेरी नाइस वे, खूब अच्छे बढ़िया से तरीके से, हाँ सो एंड सो, आप सो एंड सो हैं, आप यहाँ पर रहते हैं, वो डिटेल उन्होंने आपकी ले लिया सोशल मीडिया से, ओके, और आपको लगता है कि ये कॉल है बैंक से, पर वो फ्रॉड कॉल होती है। तो ये तो मेरे लास्ट स्लाइड ये है, हम इनसे कैसे बचे और हम अपने बच्चों को इनसे कैसे बचाएं। हम 3 C की बात करते हैं। फर्स्ट C इज कॉन्टैक्ट, द सेकेंड इज कॉन्टेक्ट कॉन्टेंट, एंड द थर्ड इज कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, किससे हम बात कर रहे हैं, कौन है, जो मैंने स्ट्रेंजर की बात करी, किससे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, किसके बारे में हम कह रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में हम विक्टिम भी हो सकते हैं और हम परपेट्रेटर्स भी हो सकते हैं। हो सकते हैं ना कि भाई किसी ने कुछ बोला हमें और उसको हम रिवेंज लेने के लिए ऑनलाइन चले गए और उसके बारे में अनाप शनाप डाल दिया, है ना। तो वो कि भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस बात को जहन में रख लें कि हमें सोच समझ के हमें किसके साथ फ्रेंड्स बनाने हैं, तो हम सेफ रहेंगे। कॉन्टेंट,
हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं, अपनी फोटोज डाल रहे हैं पब्लिक डोमेन में, हम जब गुस्सा है किसी के लिए गलत बात कह रहे हैं, हम किसी को बुली कर रहे हैं, हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, या हम फेक न्यूज को रियल मान रहे हैं, या हम खुद भी फेक न्यूज आगे कर रहे हैं। अब हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, इतने मैसेज, क्लिक ऑन दिस लाइन योर लाइफ विल चेंज, क्लिक ऑन दिस ब्लू लिंक लाइफ विल, ऑफकोर्स लाइफ विल चेंज, but how will it change? It will change because if you click on that blue link, the malware, the malicious software will come on your systems. It will get installed on your systems. It will take away all your photos and everything detail and the passwords that you may have stored. And those will be definitely misused. Ya aapki blackmail hogi, ya aapka account khali hoga, ya photos inappropriately bof ho jayengi. To humko बहुत सोच समझ के ऑनलाइन चलना है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से भी हमें ऑनलाइन में, क्योंकि ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड है, ये ब्लैक, ये बिल्कुल ब्लैक होल टाइप का है जिसमें हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है। इट्स ओनली व्हेन यू नो द पीपल, उनके साथ कनेक्ट कीजिए। फेसबुक है तो अपने फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड के साथ कनेक्ट करो। पोटेंशियल फ्रेंड पोटेंशियल डेंजर भी हो सकता है, ये सोच लीजिए। कंडक्ट कैसा है, हमारा अपना कंडक्ट कैसा है ऑनलाइन, हमको अपने आप को सेव करना है। जब हम सड़क क्रॉस करते हैं या गाड़ी चलाते हैं, है, हम तो ये नहीं कहते कि मैं तो बस अपनी लेन में चला रही हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें ये भी देखना है कोई क्रॉस करके आ जाएगा, कोई रोड क्रॉस करने लगेगा, कोई गाय आ जाएगी आगे। तो उस तरीके से हमें ऑनलाइन, हाँ, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने आप को सेफ रखें और अपने स्टूडेंट्स अपने बच्चों को सेफ रखें। जैसे हम एथिकल रहते हैं अपनी रोजमर्रा लाइफ में, ये द डूज एंड डोंट्स इन अ लाइफ एटिकेट्स होते हैं, अगर हम वो फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चे भी वो फॉलो करेंगे। हम लॉ के दायरे में रहते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में तो लॉ के दायरे में रहते हैं, पर ऑनलाइन में हमको पता नहीं क्या हो जाता है कई बार। हम ये नहीं कह रहे कि आप और हम परपेट्रेटर्स हैं, बट इनएडवर्टेंटली हम भी कभी गलती ये कर लेते हैं थोड़ा सा, और हमें सबसे वैसे बिहेव करना चाहिए जैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में बताया था, वो जैसे आपकी परसोना है, वो ऑनलाइन परसोना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल जब बच्चे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो बिसाइड्स वो एसे सबमिट करना है, उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके अचीवमेंट्स होते हैं, वो सब तो कॉलेजेस देखते ही हैं, है? कोई एंट्रेंस एग्जाम हो गया, वो तो होते ही है। वो आजकल वो यूथ की ऑनलाइन, वो उनका उनका ऑनलाइन बिहेवियर कैसा है, ऑनलाइन प्रैक्टिसेस कैसी है, ये भी देखते हैं, तो वो ऑनलाइन भी देखते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई ज्वाइन करता है, बहुत अच्छा रिज्यूमे लेकर आता है, खूब अच्छी अच्छी बातें होती हैं, भाई बहुत इंप्रेसिव है, ठीक है, ले लिया जाए एज अ मैनेजर, लेकिन उसके जाने के बाद हम ऑनलाइन उसकी सोशल मीडिया साइट्स में उसका अकाउंट जरूर चेक करते हैं, बिकॉज वहां पर पर्सनैलिटी का एक पहलू दिखने को मिलता है। और आजकल मैट्रिमोनी में भी तो ऑनलाइन आजकल चेक करते हैं। तो हमारा कॉन्डक्ट ऑनलाइन बिल्कुल उसी टाइप का होना चाहिए जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है। डॉक्टर मोनिका, इतना मेरा हो गया, अगर इतने में कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं ले लेती हूँ। ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं है तो मैं आगे चलती हूँ। मैम, एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है। हाँ जी, वो पूछ रहे हैं कि मैम जब हम किसी ऐप के थ्रू लॉग इन करते हैं तो वो हमें कहता है कि या तो गूगल या फेसबुक के थ्रू साइन इन कीजिए, तो क्या वो सेफ है साइन इन करना उसके थ्रू? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, ऐप आपको आपको ऑप्शन दे रहा है, अपनी ईमेल के थ्रू करो, अपने फोन के थ्रू करो, फेसबुक के थ्रू करो, गूगल के थ्रू करो, बेस्ट इज ईमेल के थ्रू करो। क्योंकि अगर आपको उसमें लगता है कि आप गूगल या फेसबुक पे साइन करते हैं तो उसके दो नुकसान हैं। एक तो आपके जितनी फेसबुक में आपने इंफॉर्मेशन डाली होती है या गूगल में जितनी आपकी जैसे डिटेल्स होती हैं, वो इमिडिएटली वो ऐप एक्सेस कर लेता है।
तो उसके पास आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है। और दूसरा है, अगर बाय चांस आपका फेसबुक, आपका ये ऐप है, पर्टिकुलर ऐप हैक हो गया, इसका डेटा कुछ हो गया, तो आपका फेसबुक का सारा अकाउंट भी हैक हो जाएगा। तो हमें अपनी ईमेल से कनेक्ट करना चाहिए, फोन से भी नहीं कनेक्ट करना चाहिए, फोन से ट्राई नॉट टू। देखिए, ये जो एप्स होते हैं, दीज एप्स आर गनिंग फॉर इंफॉर्मेशन। देखिए, फ्री तो कोई नहीं देता, फ्री तो फ्री आजकल के जमाने में कभी कोई फ्री देगा? अगर कोई ऐप फ्री है, इसका मतलब यह है कि वो ऐप आपसे कुछ ले रहा है, या तो वो एड्स दिखा रहा है, उससे पैसा बना रहा है, और या फिर वो ऐप आपकी पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेके आगे दे रहा है, क्योंकि यू नो इंफॉर्मेशन इज पावर, इंफॉर्मेशन इज वेल्थ, इंफॉर्मेशन इज गोल्ड नाउ। सो सोच समझ के एप्स लीजिए। जब हम ऐप पे साइन करते हैं तो उसमें आता है एक्सेस टू वीडियो, एक्सेस टू दिस। अब मुझे बताओ, लेट्स से मैं मैथ टीचर हूँ, मुझे मैथ का ज्योमेट्री का ऐप चाहिए, वो ज्योमेट्री के ऐप को मेरी कॉन्टेक्ट और फोटो से क्या लेना देना? उसमें हमेशा हमें ना करना चाहिए कि भाई हमें उन चीजों को, ये नहीं है कि वो ऐप, वो सब ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है। जहां पर एस्ट्रिक लगा होता है जिन कॉलम में, वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, एंड बाकी ऑप्शनल। हम ये नहीं देखते क्या ऑप्शनल है, क्या नेसेसरी है, हम सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। सर, और कोई? सर, मैम एक पार्टिसिपेंट पूछ रहे हैं जेएनके से कि व्हाट इज अबाउट साइबर हाइजीन। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि उस पे तो मैं अलग सेशंस लेती हूँ। जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में हाइजीन प्रैक्टिस करते हैं, हम साफ सुथरे रहते हैं, हम क्लीन रहते हैं, उस तरीके से हमें ऑनलाइन भी हमें हाइजीन अपनी क्लीन हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं कि हमारा एक तो डिजिटल पर्सोना क्लीन होना चाहिए, जैसे मैंने बताया, कुछ गलत उसमें पोस्ट ना करो, कुछ गलत एक्शंस मत करो। और दूसरे हाइजीन में होता है कि हाइजीन ऑफ योर मशीन, जिसमें आप अननेसेसरी डेटा ना भरो, एंटीवायरस डालो। और तीसरी हाइजीन होती है कि हाइजीन इन योर ओन ऑनलाइन प्रैक्टिसेस। तो जिस तरीके से हम इस चीज का हम रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं, हम ऑनलाइन भी, हमारे पास 10 चेकलिस्ट होनी चाहिए कि मैं ये अपना डेटा या अपनी मशीन को इतना क्लटर नहीं करूंगी, और मैं गलत एप्स नहीं डाउनलोड करूंगी, या फिर मैं एंटीवायरस डाउनलोड करूंगी। तो ये इसका, ये हाइजीन के माने जाता है। कि जो हम अभी जो ई कंटेंट डेवलपमेंट के लिए ओपन सॉफ्टवेयर्स का यूज कर रहे हैं, क्या वो सेफ हैं ई कंटेंट क्रिएट करने के लिए? देखिए, सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे हैं, और जो ये ओपन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हमें यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर तो हर कोई, हमारी कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ यू नो इकोनॉमी, तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर तो हर कोई नहीं ले सकता। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले तो उसमें चेक कीजिए कि वो जो ऐप है उसमें कितने यूजर्स हैं। अगर थोड़े से यूजर्स हैं तो मत डाउनलोड करिए। फिर दूसरा चेक कीजिए कि उसमें कितने स्टार्स दिए हुए हैं यूजर्स ने, उसका रिव्यू क्या है। अगर उसका रिव्यू अच्छा है तभी डाउनलोड कीजिए। तीसरे ये देखिए, खुद डाउनलोड करके, कि उस वो कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले रहा है। और फिर हमें बच्चों को गाइड करना चाहिए कि ये ऑनलाइन ऐप अच्छा है फॉर दिस सब्जेक्ट और फॉर दीज थिंग्स, पर इसमें आपको इन चीजों का ध्यान करना पड़ता है। तो कई ऐप्स होते हैं वो गलत एड्स दिखाते हैं, तो उनमें भी ऑप्शंस होते हैं कि आप ये वर्ड्स वाले एप्स ब्लॉक कर दीजिए। तो आप ध्यान से यूज कीजिए, एंड दीज ऑनलाइन एप्स आर देयर, एंड पिक एंड चूज वेरी क्रिटिकली व्हाट यू हैव टू यूज। यूज तो करने पड़ते हैं सर। थैंक यू मैम। द लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट अबाउट व्लॉग्स ऑन YouTube, सेफ और नॉट? सॉरी सर, Blogs on YouTube are safe or not? I couldn't get you. What on YouTube? Blogs, man. Blogs. Someone posting videos on YouTube. लोग blog बना के या अच्छा blogs on YouTube. देखिए, blog और YouTube अलग-अलग चीज़ है. YouTube तो video है. अभी ये ऑनलाइन में एक बार चला गया तो कितना सेफ है, कोई भी, हर कोई उसको डाउनलोड कर सकता है। तो अगर आपको कुछ अपनी जैसे लेसन वगैरह शेयर करना है, तो और उसमें पर्सनल पिक्चर्स हैं,
तो थोड़े ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, पूरी पब्लिक डोमेन में मत डालिए। और यूट्यूब, जहां तक बच्चों को हम बोलते हैं कि यूट्यूब से ये डाउनलोड करो, तो हमें बच्चों को यूट्यूब फॉर किड्स में जाना चाहिए, जिसमें एड्स भी नहीं होते और वो ऑर्गेनिकली वो लोग फिल्टर कर देते हैं इंफॉर्मेशन। तो यूट्यूब फॉर किड्स यूज करना चाहिए ज्यादा। तो सर मैं आगे चलूं, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ रही हूँ। स्टूडेंट सेफ्टी इज पैरामाउंट। स्टूडेंट डेटा इज मैसिव वेल्थ ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। हम पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल सेफ्टी की बात करते हैं, लेकिन हम लोग ऑनलाइन जब लर्निंग करते हैं तो हमको बहुत सेंसिटिव चीज की बहुत इंपॉर्टेंट चीज का हमारे दिमाग में सेंसिटाइजेशन होना चाहिए कि स्टूडेंट डेटा, जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, अटेंडेंस लेते हैं, तो स्टूडेंट का नाम आता है, नाम के साथ बच्चे का फोटो भी होता है, और फिर हम लोग जब अपने डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं उसमें बच्चे का एकेडमिक डिटेल्स भी होते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत बहुत वैल्यूएबल है। तो व्हाट इज स्टूडेंट डेटा? स्टूडेंट डेटा इज एकेडमिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, क्या क्या उसकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है, क्या उसके स्पेशल नीड्स हैं बच्चे के, तो वो सारा आता है। डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स आती है, एज, रेस, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस एंड एवरीथिंग, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये है। फिर टेस्टिंग परफॉर्मेंस डेटा होता है, मेडिकल डेटा कई स्कूल्स में बच्चों के, कई बच्चों का स्कूल्स के पास होता है। बिहेवियर डिटेल्स, साइकोलॉजी, ये काउंसलर्स होते हैं, वो भी कुछ अगर बच्चा ये स्पेशल नीड का है या बच्चा अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, उसके डिटेल्स भी होते हैं। और आजकल क्योंकि ऑनलाइन है तो स्कूल्स बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी इकट्ठा करते हैं, उनके पास होते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमको ये जो स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं ये हमें सेफली रखनी चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल एक यंग चाइल्ड है हु इज अ स्पेशल नीड चाइल्ड, ओके, और हु हैज बिहेवियरल इश्यूज एंड नीड स्पेशल अटेंशन एंड इज नॉट परफॉर्मिंग, मे नॉट बी परफॉर्मिंग वेरी वेल, उसकी डिटेल्स अगर 5-10 साल के बाद पब्लिक डोमेन में विद अ फोटो और विद हिज डेमोग्राफिक डिटेल्स चली गई, तो वो बच्चा 4th या 5th में अभी है, और अगर 5-7 साल बाद चली गई तो वो बच्चा अपना किसी कॉलेज में एडमिशन की कोशिश कर रहा होगा, उसको शायद उसका एडमिशन ना मिले क्योंकि उसका पुराना रिकॉर्ड आ जाएगा, चाहे वो बच्चा सुधर गया है, चाहे उसने लाइफ में इम्प्रूव कर लिया है या जो भी है। तो एक तो वो है, दूसरे है ये इंफॉर्मेशन कैन बी यू नो यूज करके वो ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है ये इंफॉर्मेशन। थर्डली ये इंफॉर्मेशन मार्केट में ये एड्स वैड्स के लिए भी बिकती है, तो हमें स्टूडेंट डेटा को बहुत बहुत ध्यान से रखना है। जैसे जैसे मैंने बोला कि हम एक स्कूल, जैसे स्कूल में हम सारे अपने रिकॉर्ड्स, फाइल सब वो कबर्ड में लॉक करके रखते हैं ना, कि हम जो स्टूडेंट जो हमारे स्कूल का ऑफिस रहता है, कॉलेज का ऑफिस रहता है, उसमें हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो उनको बहुत ध्यान से रखते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो वीडियोस भी ऑन होते हैं और फोटो भी ऑन होती है, तो हमें उसके लिए ये देखना है कि हम जो प्लेजिस प्लेटफॉर्म पे हमारी क्लासेस हो रही हैं वो प्लेटफॉर्म सेफ रहे, वहां में कोई स्ट्रेंजर आके उनको हैक ना कर सके। तो ये हमें छोटी छोटी चीजों का एज एडुकेटर ध्यान रखना है, एंड एज स्कूल लीडर क्योंकि सब लोग घर से काम कर रहे हैं एंड ईमेल्स आर सेंट हियर एंड देयर, कभी वो क्लाउड में जाती हैं ड्रॉपबॉक्स के थ्रू या किसी के थ्रू या गूगल के थ्रू, तो हमें ये देखनी है कि उसमें हम लोग को प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं और तभी एक दूसरे को थ्रू क्लाउड, थ्रू ऑनलाइन सोर्सेस भेजना है। तो ये जो मैं वही, अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी के हमारे जो हम फॉलो एक्टिविटीज फॉलो करते हैं, अगर वही सेफ्टी हम ऑनलाइन फॉलो करें तो ऑनलाइन इज नॉट सच अ डेंजरस प्लेस एज इट इज मेड आउट टू बी। अभी वर्चुअल क्लासरूम में मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि वर्चुअल सेफ एंड रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म नहीं ले सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स हैं, डिफरेंट पेमेंट वगैरह कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन फ्री प्लेटफॉर्म भी हैं, तो जो रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म है उन्हीं पे जाइए। ऐसा नहीं है कि एक आपको एक यू नो आ गया नोटिफिकेशन, वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड कम टू अ प्लेटफॉर्म एंड वी विल गिव यू दिस दिस दिस, उसका नाम कभी सुना नहीं है, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स बच्चों पे मत ट्राई कीजिए प्लीज। और वो प्लेटफॉर्म लीजिए जहां एंड टू एंड डेटा इंक्रिप्शन होता है, जैसे व्हाट्सएप में है,
व्हाट्सएप में जैसे मैंने आपको मैसेज भेजा, तो मेरा जो मैसेज जो जाएगा वो इन इन जीरोज एंड वंस इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्म जाएगा. जब वो ट्रेवल करेगा तो वो डिफरेंट फॉर्म में जाएगा. उसको बीच में अगर कोई हैकर इंटरसेप्ट भी कर लेता है तो वो समझ नहीं पाएगा. ओनली व्हेन इट रीचेस यू देन द दैट पर्टिकुलर ऐप कन्वर्ट्स इट टू द मैसेज दैट आई सेंट यू. सो दिस इज सेफ क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है. तो बीच में अगर किसी ने हैक भी कर लिया तो वो उसके पल्ले नहीं पड़ने वाला, वो कुछ नहीं कर सकता. देन ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड ऐप्स की मैंने बात करी थी. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जो किसी ने पूछा था कि ये जो ऐप्स होते हैं, ऐप्स तो देखिए ऑनलाइन यूज करने पड़ते हैं, लेकिन लिमिट कीजिए अपना ऐप यूज. आजकल पानी पीना है, स्टेप्स काउंट करने हैं, कितना देर सोया, हर चीज के लिए ऐप होता है. हर कोई आपको बोलता है हमारा ऐप डाउनलोड कर लो. क्यों डाउनलोड कर ले? मैं तो आप इफ यू आस्क मी फ्रेंकली, मैं किसी बैंक का ऐप नहीं डाउनलोड करती. क्यों नहीं करती? या किसी मैं बहुत कम ऐप्स अपने फोन पे डाउनलोड करती हूँ, क्योंकि वो ऐप एक तो जब आपको डाउनलोड करते हो वो आपकी काफी इंफॉर्मेशन ले लेता है, दूसरे आपकी मेमोरी स्पेस यूज करता है. क्या फर्क पड़ता है वो नंबर में? मेरे को ऐप जाके मैं वो करूंगी तो मेरे को थोड़ी ईज ऑफ यूज तो हो जाएगा, पर वो जो मेरा डेटा वहां से ले रहा है मेरे फोन से, चाहे मैं उसको लिमिटेड डेटा दूं, पर वो लिमिटेड डेटा तो ले ही रहा है ना मेरे फोन से. तो ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड एप्स. और जो एजुकेशनल एप्स है जो सर ने पहले पूछा था, तो वो ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए और वो दे शुड बी बीइंग यूज्ड एंड वेरीफाइड बाय समबडी एल्स. उनके स्टार्स कितने हैं, उनके यूजर रिव्यूज कितने हैं, और वो कितना आपसे कितने इंट्रूसिव हैं, कितनी प्राइवेसी आपकी इंट्रूड कर रहे हैं, ये भी आपको उसमें क्रिटिकली एनालाइज करना है. वर्चुअल क्लास में आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कहते हैं कि बच्चों से जब बच्चा ज्वाइन करता है तो उससे थोड़ा सा बोलो कि भाई अपना ऑडियो वीडियो ऑन करे. कि ये भी हो सकता है कि बच्चे ने इनएडवर्टेंटली किसी के साथ वो लॉग इन डिटेल शेयर कर लिए, या किसी ने बच्चे के फोन से या पेरेंट्स के फोन से चुरा लिए. तो कोई प्रेडेटर कैन ऑल्सो कम एंड बी अ पार्ट ऑफ द क्लास, क्लिक पिक्चर्स, टेक ऑल द इंफॉर्मेशन एंड गो अवे. इसलिए आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इज यूज अपडेटेड सॉफ्टवेयर. पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं यूज करने, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करने हैं. क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आते हैं वो कॉन्स्टेंटली अपडेट होते रहते हैं. आप नोटिस करोगे अभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो रहा है, अभी इसकी इसका इस ये वाला ऐप अपडेट हो रहा है. ये क्या करते हैं? ये एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स लाते हैं. अब जैसे हमारी अपनी जिंदगी में है, कितना भी बड़ा ताला ले लो पर जो चोर होते हैं हमसे चार स्टेप आते हैं. तो हमारे भी पहले हम घर को कुंडी लगा के जाते थे पुराने जमाने में, फिर एक ताला लगाते थे, फिर डबल लॉक होना शुरू हो गया, फिर अभी वो सिक्योरिटी, हम लोग कितने सिक्योरिटी उसके वॉल बना रहे हैं घर के आसपास. सो सिमिलरली ये जो हैकर्स होते हैं, दे आर डिवेलप सॉफ्टवेयर डिवेलपर्स ओनली, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल. सो उन जो नए नए वायरस या कुछ आते हैं वो उनके उनका तोड़ होता है उनके पास. तो हमारे सॉफ्टवेयर एक तो इसके लिए अपडेट होने चाहिए, और दूसरे वो नए नए अच्छे फीचर्स भी आते हैं तो अपडेट होते हैं, तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर अच्छे अपडेट होते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर कभी अपडेट नहीं होते. लॉग आउट प्रोसेस कीजिए, चाहे आप बैंकिंग साइट पे जाएं या फिर आप क्लासरूम में जाएं, अपने अपने स्टूडेंट्स को पूरा लॉग आउट का प्रोसीजर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को समझाइए, नहीं तो वो ओपन रहता है. मैं आपको रोजमर्रा की जिंदगी का एग्जाम्पल देती हूँ कि अब हम बोल रहे हैं कि हम घूमने जा रहे हैं और हम घर की सिक्योरिटी के लिए अपना दरवाजा ऐसे भेड़ के जा रहे हैं, है वो तो सिक्योरिटी नहीं होगी. वो तो कोई भी एक किक मार के और पुश करके अंदर आ सकता है. ये तो हम कहीं जाते हैं तो हम खिड़की दरवाजे सब लॉक करके बंद करके गेट वेट बंद करके सब जाते हैं. सिमिलरली ऑनलाइन अगर आप राइट हैंड साइड के लॉक को राइट हैंड साइड के क्रॉस को बंद कर देते हैं तो इसका मतलब है आपने अपने घर का दरवाजा बंद नहीं करा है. आप एक पर्दा बंद करके या खाली किवाड़ बंद करके आप सोच रहे हैं कि मैं तो अभी मेरा तो घर अभी बंद हो गया है. आपको उधर जाके पूरा लॉग आउट या एग्जिट करना चाहिए, स्पेशली नंबर वन बैंकिंग साइट्स पे, एंड नंबर टू ऑनलाइन क्लासेस में सब स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए और खुद भी करना चाहिए.
सो एज अ एडुकेटर यू शुड पनिश बैड एक्टर्स, प्लान बैड बिहेवियर, क्योंकि कई बच्चे होते हैं तो वो कुछ भी पहन के आ जाते हैं या क्लास के बीच में अपना कोई वीडियो चलाना शुरू कर देते हैं. तो जैसे हम क्लास में स्ट्रिक्ट रहते हैं, हमें ऑनलाइन उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना है, क्योंकि क्लास में एक बच्चा आपका पर्सोना देखता है और विद इन फोर वॉल्स होता है, तो इतने ज्यादा मिसबिहेवियर के चांसेस नहीं होते कि भाई जब वो बच्चा दूर होता है. तो ये थोड़े से टिप्स हैं, टाइम कम है इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ. ये थोड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, रिपीट भी है, पर मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मतलब यू गो बैक विद दिस पॉइंट्स वेरी फॉर्मली इन योर हेड. सो सेफ सिक्योर ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड टू एंड डेटा इंक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटफॉर्म का, और एंड टू एंड डेटा इंक्रिप्शन सिर्फ ट्रस्टेड साइट्स में होता है, रिप्यूटेबल साइट्स में होता है. सेफ स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया स्टूडेंट डेटा इज अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन. ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड एप्स फॉर लर्निंग यूज करने हैं. प्राइवेसी अवेयरनेस एंड रिस्क ऑफ आइडेंटिटी डिस्क्लोजर भी होता है, जैसे मैंने बताया कि यू शुड बी अवेयर ऑफ कि ये ऐप मेरी कितनी प्राइवेसी को इन्वेड कितना कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, या मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ तो मेरे जो बच्चों की सेफ्टी मेरी जिम्मेवारी है, तो वो प्राइवेसी किसी हैकर के साथ इन्वेड तो नहीं हो रही है अगर मैं गलत प्लेटफॉर्म पे जा रही हूँ जहां पर हैकर आ सकते हैं. एंड रिस्क ऑफ आइडेंटिटी डिस्क्लोजर तो होता है, क्योंकि अगर फेक उसके आप जो आइडेंटिटी एज्यूम करके फेक आइडेंटिटी से बहुत कुछ गलत काम हो सकता है. फॉलो अप्रोप्रिएट लॉग आउट प्रोसेसेस एंड प्रोटोकॉल्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत टाइम में हम वो क्रॉस बंद कर देते हैं, पर वो इंटरनेट पे सब खुला रहता है, एनीबडी कैन एक्सेस दैट साइट एंड डू रॉन्ग थिंग्स. बस मैं ये बोलूंगी एज लीडर्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में प्लीज अपने स्टूडेंट्स को अवेयर कराइए. एक पॉलिसी, जैसे स्कूल की बहुत पॉलिसीज होती हैं, तो एक स्कूल की एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी होनी चाहिए. उसमें डूज एंड डोंट्स रहेंगे कि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पेरेंट्स की है, और ये स्कूल प्रिंसिपल की है, और ये बच्चे की है. तो सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई यू कांट, दीज आर द पॉलिसीज एंड प्रोटोकॉल्स ओवर देयर. साइबर सेफ्टी क्लब एक स्कूल में अगर आप अपने बना सकते हैं, तो वो बच्चे एज रोल मॉडल रहेंगे जो बाकी बच्चों को मेंटर करेंगे, और उसमें टीचर्स भी रहेंगी. तो जैसे SUPW में एक साइबर सेफ्टी क्लब डाल सकते हैं. हाइजीन की बात कर रही थी एक सर ने, ये अच्छा क्वेश्चन था. तो पीरियोडिक हाइजीन टेस्ट ऑन ऑल द मशीन्स कि कहीं कोई वायरस तो नहीं है. कहीं सीनियर स्टूडेंट्स इंटरनेट पे जाके कुछ गलत उन्होंने डाउनलोड कर लिया, तो जूनियर क्लासेस भी वही मशीन यूज कर रही हैं, तो वो इनअप्रोप्रिएट चीज वो एक्सपोज हो जाएंगे उसके लिए. इस बात ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान करना पड़ता है. मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. Very important is as leaders of the school, as teachers who are using student photos, it is especially of minor students, aap unko unka lessons record kar rahe hain ya pictures le rahe hain, to parent consent or involvement bahut zaruri hota hai. Parent consent lijiye, kyunki kai parents ko nahi acha lagta ki hamare bacche ki photo wagaira li jaye. To agar aap responsibly unki photo ka use kar rahe hain और पेरेंट की कंसेंट ले रहे हैं, तो वही होना चाहिए. दैट इज अ राइट थिंग टू डू. एंड अवेयरनेस अबाउट रिपोर्टिंग हेल्पलाइन होनी चाहिए. आपके कंप्यूटर लैब पे या प्रिंसिपल के रूम के पास एक 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 नोटिस में एक काइंड ऑफ अ पोस्टर लगना चाहिए कि अगर हेल्पलाइन, जैसे हम कहते हैं ना हमारे पास पुलिस की, एम्बुलेंस, ये वो सब चीज की हेल्पलाइन होनी चाहिए. उसमें ये भी इंक्लूड होनी चाहिए कि जब साइबर क्राइम होता है, कोई ऐसा इशू होता है, तो कौन सी हेल्पलाइन, कहाँ पर आप रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं. ये बहुत लोगों को पता नहीं चलती, और वो इस चक्कर में कि कहाँ करें, कैसे करें, और कोई तंग भी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो रिपोर्ट नहीं करते हैं. तो मैं आई एम कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन. अब ये कौन है, ये आप खुद जानते हैं. ये आपके बच्चों के फेवरेट हैं, ये स्पाइडरमैन है. तो हमको हमारे जो ऑनलाइन जिंदगी में ये स्पाइडरमैन का कोट बहुत बहुत अप्रोप्रिएट है. सो स्पाइडरमैन का मोटो क्या है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्पाइडरमैन के पास पावर है, और हमने किसी भी स्पाइडरमैन की मूवी या एनिमेशन में नहीं देखा कि वो अपनी पावर का गलत यूज कर रहा है. वो अपनी पावर का अच्छा यूज करके ह्यूमैनिटी को सर्व करता है. तो हमें अपने बच्चों को बोलना है कि स्पाइडरमैन आपका रोल मॉडल है, तो आप भी एक स्पाइडरमैन बनो.
इंटरनेट हैज गिवन यू ग्रेट पावर, ग्रेट पावर टू कनेक्ट विद द होल वर्ल्ड, ग्रेट पावर टू पब्लिश एनीथिंग, ग्रेट पावर टू यू नो सिट इन ब्लंट प्लेस एंड टॉक टू somebody thousands of kilometers across. Okay, and to access videos, to access games, to do whatever you want. So it has given you great power. But this great power should be used very, very responsibly. So Spider-Man jaise baniye, with great power comes great responsibility. Ye motto agar aap bacche lenge, to bacche kabhi galat nahi jayenge. मैं अब ये बोलूंगी कि इंटरनेट के बहुत बहुत एडवांटेजेस हैं. हमको या तो हम जनरली एज पेरेंट्स एंड टीचर्स हम लोग दो अडॉप्ट कर लेते हैं. या तो हम इतना डर जाते हैं हम बच्चों का इंटरनेट ब्लॉक करना चाहते हैं, और या फिर हम बोलते हैं नहीं जी बच्चे तो बहुत टेक्नोलॉजी सेवी हैं और वो तो हमसे भी टेक्नोलॉजी सेवी हैं तो वो तो कुछ गलत कर नहीं सकते हैं. ये दोनों एक एक्सट्रीम है. बच्चे टेक्नोलॉजी सेवी हैं लेकिन बच्चों के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, वो एनालाइज करने की शक्ति नहीं है, वो स्किल नहीं है कि वो किससे बात करें, कितना पोस्ट करें. वो तो हमें प्रोवाइड करना है ना, चाहे वो टेक्नोलॉजी में कितने एक्सपर्ट हो. तो हमें ना तो लॉक एंड ब्लॉक करना है इंटरनेट, ना हमें उनको बिल्कुल खुली छूट देनी है. एज एडुकेटर्स एंड एज पेरेंट्स हमें उनके साथ इसी रोड पे ट्रेवल करना है, उनको मेंटर एंड मॉनिटर एट एवरी स्टेप करना है. सो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे इज द वे टू गो, इस पे हमें ट्रेवल करना ही करना है. एंड बट ट्रेवल वाइजली, ट्रेवल सेफली एंड बी गुड रोल मॉडल्स. सो ये था मेरा प्रेजेंटेशन. ये अगर आप नोट करना चाहें तो ये थोड़ी रिपोर्टिंग साइट्स हैं, आप नोट कर सकते हैं. और एक होती है सोशल रिपोर्टिंग, जिसमें अगर बच्चे को परेशानी है तो स्कूल का काउंसलर हो गए या आंगनवाड़ी वाले हो गए या कम्युनिटी वाले कोई हो गए. एक होती है प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग कि अगर जैसे फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप वगैरह में कोई मेरे गलत मैसेजेस भेज रहा है, मेरी फोटोज मिसयूज कर रहा है, कुछ हैक हो गया है, या मेरी फेक आइडेंटिटी में मेरी यूज करके मेरे को ब्लॉक आउट करके वो किसी को गलत मैसेजेस भेज रहे हैं, तो ये इन सब प्लेटफॉर्म्स के पास गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सबका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है. वहां पर स्क्रीनशॉट्स, जो जो अगर कोई आपको बुली कर रहा है, आपके बच्चे को गलत बोल रहा है, तो उसके स्क्रीनशॉट लेके वो आपका प्रूफ है, वो उनको रिपोर्ट करेंगे, दे ऑल्सो टेक एक्शन. और हमारा लीगल फॉर्मल रिपोर्टिंग तो है ही. cybercrime.gov.in गवर्नमेंट का पोर्टल है जो बहुत बहुत यूजर फ्रेंडली पोर्टल है. इस पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं और बच्चे और विमेन कैन ऑल्सो रिपोर्ट एनोनिमसली. और यहाँ पर आप रिपोर्ट करेंगे वो आपको कुछ प्रूफ अपलोड करने को बोलेंगे. यू कैन इवन ट्रैक द कंप्लेंट, वेरी वेरी एफिशिएंट फोटो पोर्टल. साइबर सेफ्टी सेल्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हेल्पलाइन है, निमहैंस है फॉर एडिक्शन, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन साइबर पीस फाउंडेशन है, हमारी 24/7 हेल्पलाइन है जिसमें हम काफ़ी हेल्प करते हैं सोसाइटी को, कंप्लेन लेते हैं. तो ये हमारा नंबर है और ये हेल्पलाइन है और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो आई थिंक इफ यू हैव नोटेड डाउन आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज बेसिकली अ क्वेश्चंस एंड अ थैंक यू स्लाइड. थोड़ा प्रेजेंटेशन में मेरा आई एम सॉरी फॉर यू नो रनिंग थ्रू द प्रेजेंटेशन, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं आपसे काफ़ी कुछ शेयर करूं. इंटरैक्टिव नहीं बना पाते, ऑनलाइन थोड़ा सा हो जाता है इशू, और उसकी कोशिश रहती है पर इतना ज़्यादा हो नहीं पाता, कोशिश तो मैं करती हूं. सो बट आई होप यू आर गोइंग बैक विद दिस इंफॉर्मेशन विच शुड नॉट स्टे विद यू, which you should implement in your day-to-day life, which you should share with your peer teachers and definitely your students and your own children. And like I said, you all are the role models. Thank you. That was a very informative session. Thank you so much, ma'am. And Ms. Hanif actually wants to ask you something, and she has raised hand from very long time. So I think we should unmute her and we should let her ask. Thank you, ma'am. Thank you so much.
मैम आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को हम सभी को मिला। आई थिंक हम सभी ने वो जो जानते भी होंगे उनको भी कुछ ना नई बात जरूर मिली होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैंने देखा एक बार क्लास थी और 40 स्टूडेंट्स थे और गूगल मीट पे क्लास हो रही थी, तो एक लिंक आ गया और वो सिर्फ मेरे बॉक्स में नहीं आया, वो सबको गया। तो मुझे उसे लगा ये कोई हैकर है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं अननोन हूँ और ज्यादा अभी बस अब स्टार्टिंग में सीख रहे हैं लाइक, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? या माने ऐसी मैंने तो उनको कहा कि आप सब एग्जिट करें जल्दी से और मैं नई लिंक बना के भेज रही हूँ, उस पे आ जाएं। तो सिचुएशन ऐसी थी या मैंने उसके बाद कभी फिर ध्यान नहीं दिया कि मैंने सीखा ही नहीं इस बारे में कुछ, मुझे जानना चाहिए था कि अगर ऐसी सिचुएशन होती मेरे 40 बच्चों के साथ तो मैं क्या करती। तो मे बी आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सो दैट्स वाई यू आर एंड इट्स अ वेरी जेन्युइन कंसर्न विद मोस्ट ऑफ द एजुकेटर्स फेस, वी ऑल्सो फेस ऑन अवर प्लेटफॉर्म्स। लाइक आई सेड दैट नंबर वन, उसके लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म हमारा है हमारा सेफ होना चाहिए। दूसरे जो लिंक वो इनएडवर्टेंटली वो लिंक किसी बच्चे ने किसी के साथ शेयर कर दिया होगा और वो इसलिए वो पर्सन आ गया होगा। तो इफ यू लाइक ड्यूरिंग एडमिशन if you are careful about admitting the students and not coming automatically, so that is one thing you can do. The other is that you have to actually sensitize the students and the parents not to share the link, because ye unki safety bhi nahi unke bachchon ki safety ke liye bhi ye problematic ho sakta hai. You did the right thing ma'am by disconnecting, and what you could have also done, you could have quickly taken the screenshot of that link and investigated the link, ye kya link hai, तो उससे उसका सोर्स भी पता चल जाता। जी जी, थैंक यू मैम, ये उस वक्त आइडिया नहीं आया, लेकिन ये लगा शायद ये हैकर है और ये सबको सेम लिंक आ रहा है, सो बेटर है फिलहाल सबको सेफ, सबके फोन हैक हो जाते, क्योंकि अभी बच्चों को भी नहीं पता था या पेरेंट्स जो सीख रहे थे, ये स्टार्टिंग सेशन में हुआ लाइक कोविड के स्टार्टिंग में हुआ, तो मे बी सबका डाटा चला जाता या कुछ ऐसा बड़ा होता, बहुत बड़ा नुकसान होता सबके लिए। तो लेकिन मैम आई एम रियली सॉरी, मुझे एक दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछना है। आप कहती हैं कि दो एक्सट्रीम होती हैं, लाइक एक है ऐसा कि मैं सीखना ही नहीं चाहती हूँ कुछ, नहीं इसके बगैर भी काम हो सकते हैं, जैसे आपने आप ई बैंकिंग नहीं यूज करती हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरा बहुत सारा टाइम ई बैंकिंग से बचता है, तो मैंने स्टार्टिंग में जब डर डर के ही कदम आगे बढ़ाए और एप्स को डाउनलोड करना शुरू किया, तो हर ऐप से पहले मैंने रिव्यू पढ़े। लेकिन मैम जैसे ही हम इस तरह की ट्रेनिंग्स में आते हैं तो हमें लगता है कि एक्सपर्ट बोल रहे हैं और ये हमें वो डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं, तो जब से भी मैं एक्सपर्ट से मिली हूं या कभी भी, तो मैं उस एक ऐप को कभी रिव्यू नहीं करती हूँ। क्या हमें वहां पर भी ध्यान रखना चाहिए कि ये एक्सपर्ट बोल रहे हैं तो इन्हें चेक किया होगा और इन्हें इस पे काम किया है, तो उनको पता है कि ये सेफ है, इसमें रिव्यू में जाने की जरूरत नहीं है। क्या उस वक्त भी हमें इस तरह का ध्यान रखना चाहिए कि रैंडमली हमें डाउनलोड कर लेना चाहिए? मैम अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, और इसमें हम अपनी सेफ्टी तो सोच रहे हैं बट अपने सेफ्टी के बारे में भी सोचते हैं, तो आप भी सोचती हैं तभी आप ये क्वेश्चंस पूछ रही हैं। तो कोई भी अगर देखो, अगर लेट्स से कि कोई आपको एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, वो एक्सपर्ट को आप ट्रस्ट करती हैं, तो आप वो ऐप डाउनलोड करो, लेकिन फिर भी यूज इस देयर इज नो हार्म इन जस्ट गोइंग टू द सोर्स ऑफ द ऐप। जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसी स्क्रीन पर ही आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो उसमें स्टार्स भी मिलेंगे, रिव्यूज भी मिलेंगे, यूजर्स भी मिलेंगे, तो उसको देखने में भी बुराई नहीं है। और बच्चों को बताने से पहले ऐप खुद डाउनलोड करिए, और उसमें अगर ऐप बहुत ज्यादा इंक्लूसिव है तो बच्चों को बताइए कि इसमें आप सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देंगे, यू विल से नो फॉर फोटोज, फॉर द गैलरी, फॉर कॉन्टैक्ट्स एंड फॉर अदर इंफॉर्मेशन। तो अपने ऊपर थोड़ा टेस्ट करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरा एक सवाल है। हेलो मैम, मैम अक्सर और बेशतर हमें ईमेल आते रहते हैं। यस सर, ये क्यों कर दिया? आई डोंट नो। Kindly rest of the participants keep yourself muted. Yes, Ruhi ma'am. Hello ma'am. Yes. Ma'am, अक्सर क्या होता है हमें मेल आते रहते हैं, मेल पे मेल, मेल पे दिन में हजारों मेल आते हैं कि आपका congratulations, आप अब आगे जाके अगर आपको व्यू नहीं हो रहा तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए। कभी पैसे का मेल आता है, कभी ये आता है, तो हमें उधर क्या करना चाहिए मैम? मैम इग्नोर करना चाहिए वो। देखिए मैंने अभी जैसे बोला था कि आजकल की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई किसी को फ्री क्यों देगा कुछ है? दिवाली आती है तो अब पता है चॉकलेट्स लेने हैं, मिठाई लेने हैं, तो आ जाते हैं कि भाई कैडबरीज का ये गिफ्ट है, आप उसको क्लिक कीजिए, आपको फ्री चॉकलेट मिलेगी। तो कैडबरी मुझे क्यों फ्री चॉकलेट भेजेगा?
आप एक बात सोचो, एडिडास के शू मिलेंगे या आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, ये नाइदर फॉल विक्टिम टू देम, इग्नोर देम, नॉर फॉरवर्ड देम। जो ये फॉरवर्ड करते हैं, ये आप और मेरे जैसे लोग ही तो फॉरवर्ड करते हैं, कोई थर्ड पर्सन थोड़ी मेरे कंप्यूटर पे मेरे व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर रहा है। इसलिए ये दिस इज फेक न्यूज एंड यू नो दिस इज फेक इंफॉर्मेशन कि भाई आपको ये इधर हॉलीडे मिलेगा। ये अब आजकल की जिंदगी में जिसमें एक पैसे के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, कोई किसी को फ्री हॉलीडे या कुछ क्यों देगा। फोन आते हैं, मैम आपका नंबर सिलेक्ट कर लिया गया है, आपको हम गोवा भेज रहे हैं हॉलीडे में, मुझे क्यों है इन द सेंस दैट। तो हमेशा अब मैं वो जमाने गए जब हम फेस वैल्यू पे लोगों को लेते थे, वेरी सॉरी टू से, जब हमें बोला जाता था कि वो तो सतयुग था, देखो अब तो जो भी युग है तो हमें फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए किसे, हमें अब हमारी सोच अभी हमें वी हैव टू स्टे सेफ एंड स्मार्ट। ओके, इफ यू आर स्मार्ट देन यू विल बी सेफ। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Yes, Mr. Navinder, kindly unmute yourself and ask. जी मैम, जैसे कि कई बार हम ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल साइट को भी जब ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इग्नू की है या एक दो बार एनसीईआरटी का भी देखा मैंने, जब हम उस पे ओपन करते हैं तो लिखता है नॉट सिक्योर कर, तो वो साइट ओपन हो जाती है। तो मैम ये क्या इशू है? देखिए जो ये इसका HTTPS का इशू रहता है, लेकिन जो जो साइट हमें मालूम है जैसे इग्नू की है या इसकी ऑर्गेनाइजेशन साइट्स हैं, तो इनको इफ यू नो कि भैया एनसीईआरटी है तो यहाँ तो कुछ गलत हो नहीं सकता, तो आप उसको खोल सकते हैं। लेकिन जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यूआरएल देखना बहुत जरूरी होता है। उसमें जब आपके यूआरएल में एचटीटीपी होता है, जो आपकी फाइनेंशियल साइट्स में जहां पर पैसे का लेन देन होता है या इंफॉर्मेशन का लेन देन होता है, उसमें एस होना जरूरी है। एस मीन्स सिक्योर, और उसके साथ एक छोटा सा पैडलॉक होता है, आपने नोटिस करा होगा। तो ये जब आप किसी फाइनेंशियल जहां पर जो बहुत सेंसिटिव साइट्स हैं, उसमें आपको ये देखना जरूरी है कि HTTPS होना चाहिए और उसमें एक पैडलॉक होना चाहिए। और दूसरा ये भी देखना है कि आजकल बहुत गलत साइट्स आ रही हैं, जैसे ICICI बैंक है तो ICICI की जगह ICICI, उसमें एक आई मिसिंग है फॉर एग्जाम्पल, और हम लोग नहीं देखते जल्दी में, हम लोग को दिख गया HDFC है तो HDFC HBFC हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो हम जब भी इन साइट्स पे जाए, स्पेशली जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें उसको रीचेक करना चाहिए कि वो साइट का यूआरएल ठीक है। अगर मैंने किसी बैंक में ट्रांजैक्ट करा है तो मेरे को वो, मुझे पता है कि वो सिक्योर साइट है, वो बिल्कुल उसका यूआरएल बिल्कुल ठीक है, ओरिजिनल है, तो उसको मुझे अपने हिस्ट्री में सेव, अपने सेव कर, पिन कर लेना चाहिए या रीडिंग में सेव कर लेना चाहिए। सर अपना म्यूट करिए प्लीज, क्योंकि क्या होता है कि हम कभी भी, जैसे मुझे अगर बैंकिंग करनी है SBI में, तो मुझे कभी भी सर्च नहीं करना चाहिए कि SBI साउथ दिल्ली, SBI साउथ दिल्ली करेंगे तो फेक SBI साउथ दिल्ली भी आ जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। चैट बॉक्स कैन बी आंसर लेटर ऑन बाय मैम, बट दोज हु आर रेजिंग हैंड आई थिंक सो आई शुड अनम्यूट देम एंड लेट देम आस्क क्विकली। सो मिस्टर प्रताप सिंह। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार आवाज आ रही है ना मैम? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा मोबाइल, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मोबाइल हैक हुआ है? सर आपका मोबाइल हैक को 3-4 वजह से हो सकता है। एक तो कोई लिंक पे क्लिक कर रहा होगा, एक तो कोई, चाहे वो लिंक ईमेल से आया हो चाहे टेक्स्ट से आया हो, या तो फिर कोई ऐप डाउनलोड करा होगा, जो मैं कह रही हूँ कि भाई सोच समझ के ऐप डाउनलोड कीजिए, है, या तो फिर किसका फोन आया होगा कि सर ये मैं फलाने बैंक से बात कर रहा हूँ और ये डिटेल्स हैं। तो कभी जो लॉन्ग कॉल होती है तो लॉन्ग कॉल में भी वो आपके डिटेल्स ले सकते हैं। तो वेरियस रीजन से फोन हैक हो सकता है, क्योंकि वो लोग मिलिशियस सॉफ्टवेयर आपके फोन में डाल देते हैं।
फोन के भी एंटीवायरस आते हैं, बाकी मुझे पता है, जैसे कोई क्विक हील वगैरह है जो आपके कंप्यूटर के लिए आते हैं, अगर आपको लगता है आपका फोन हैक हुआ है तो आप फोन के भी एंटीवायरस ले सकते हैं। और अगर आपका फोन अचानक ब्लैक स्क्रीन आ जाए या स्लो हो जाए या कहीं वो हैंग हो जाए तो आपको एकदम ऑफ करना चाहिए और फिर ऑन करके देखना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि आपके फोन में वायरस हो सकता है। नहीं मैम, पता कैसे चलेगा कि ये हैक हुआ है? वो जब एंटीवायरस डालेंगे, एंटीवायरस रन करेंगे तो वो वायरस को पकड़ लेगा। और सिम्टम्स बता रही हूँ, सिम्टम्स ये होंगे कि भाई फोन के ब्लैक स्क्रीन हो गया, कोई ऐप हैंग हो गए या ऑन नहीं हो रहा। तो अगर हार्डवेयर इश्यूज हैं वो तो अपने हाथ में नहीं है, पर सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं तो वो उसमें मॉलवेयर हो सकता है। तो उसको जाके क्विक हील वगैरह चलवा दीजिए, मैकेफी का एंटीवायरस चलवा दीजिए, और उसे अगर कोई वायरस होगा तो पकड़ में आ जाएगा। ओके, ठीक, थैंक यू मैम। सो देयर आर आई कैन सी ओके वन मोर पर्सन हैज रेज्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो निधि, आप ऐसा कर सकती हैं कि आई फील इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी एंड अ ड्यूटी टू एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस, सो यू कैन काइंड ऑफ नोट डाउन लाइक टेक अ कॉपी ऑफ द क्वेश्चंस एंड मे बी रेज लेटर, बिकॉज राइट नाउ वी कांट, लेटर वी शुड गेट बैक टू देम। आपका कोई ग्रुप होगा तो उस ग्रुप में मैं आपको आंसर बता सकती हूँ, फिर आप उस ग्रुप में उसका आंसर डाल सकती हैं। यस मैम, वी डेफिनेटली कीप कॉपी ऑफ चैट, so these questions will be with us, so definitely ma'am will answer all the questions of all the participants, don't worry, but because we are short of time we have to take a break right now so that we can come back exactly after 10 minutes. So can I intervene, Miss Nidhi? Yes, sure. Yeah, thank you. So yes, because since we have Professor Behra would be joining in the valedictory, so we're trying to complete this session just on time, otherwise we would have minutes just to answer, because we also think that answering these questions is more important so that the queries are resolved and then they can work on it in a better way. But we will definitely post all these questions which are there in the chat box to you in person, and then we can share those answers on the chat, on the WhatsApp group. Right, ma'am. So I would now the formal thanks to you for. Hey, thanks, mat kijiye, madam. Main to, it's my honor and duty, yes. Like I told you. So it's. Thank you. Yeah. Thank you, ma'am, for the lovely session. We will be getting in touch with you again for the upcoming two phases. Thank you. And we'll be meeting you there. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Thank you. Now I'll request all the participants that. Since we have to start the valedictory, हम लोगों को 3:45 पे sharp शुरू करना है, तो आप लोग सभी 10 मिनट का ब्रेक लेके 3:40 पे सभी लोग वापस जुड़ जाएं सेशन के लिए, और अपना एक्शन प्लान जो है, स्टेट एक्शन प्लान जो हम लोगों ने बनाया है उसको रेडी कर लें, सो दैट वो आप प्रेजेंट कर पाए विदिन 2 to 3 minutes. उससे ज्यादा लंबा टाइम प्लीज ना लें, क्योंकि वो वैलिडिक्ट्री फिर लंबा होता जाएगा. जितनी जल्दी आप चाहते हैं आप फ्री हो जाएं, उतना आप उसको क्रिस्प रख सकते हैं. अपने जो बिल्कुल एक्शन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ही आप केवल फोकस करें, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी. और उसके अलावा हम 2 या 3 लोगों से मैक्सिमम फीडबैक भी लेंगे, सो यू कैन जस्ट डिसाइड ऑन योर ओन दैट हु वी विल रैंडमली आस्क यू टू गिव द फीडबैक, सो दैट इट्स नॉट लाइक द जेन्युइन फीडबैक आई विल रिक्वेस्ट रादर. So now we are closing. For 10 minutes, we are taking a break. Please be back at 3:40. Hello, Monica, ma'am. I have a question. Yes, ma'am. क्या हम अगर मोबाइल से भी अगर अपना प्रेजेंटेशन दे दें तो और चलेगा? हाँ हाँ, कैसे भी चलेगा सर, कोई इशू नहीं. थैंक यू मैम. आप लोग ने अटेंडेंस होपफुली मार्क कर दी है इस सेशन में जो हमने अटेंडेंस पोस्ट की थी. जिसने नहीं की है प्लीज केयरफुली अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा. मैं अभी पोस्ट कर देती हूँ लिंक दोबारा, so that किसी के attendance इस session की miss ना हो. Monica ma'am, please वो जो हमने submit करनी है अपने assignments उसका link भी please send कर दीजिए chat box में. मैं group में दोबारा post कर दूँगी उसको. हाँ जी, thank you so much ma'am. Okay sir, okay. ठीक ma'am, assignment को submit करने की date कब तक है?
मैम संडे को मैंने लास्ट डेट रखी है आपके लिए, दो ऑफ डेज रखे ताकि आप कर पाए। संडे नहीं मैम, मंडे बोला था आपने। नहीं नहीं मैंने संडे बोला था मैम, मैंने संडे कहा था, देख लेते हैं पहले, आप लोग ट्राई कर लीजिए, कुछ इश्यू होगा तो हम हैं आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके थैंक यू। अच्छा मैंने 7th February लिख दिया है क्या सर? उसमें मैंने संडे को पॉइंट किया था, बट आई थिंक डेट गलत मेंशन हो गई है, बट 7th नहीं है वो, संडे ही है। मैं